हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्विज गाय पर। आज हम आपके साथ उन सवालों के जवाबों का डिस्कशन करेंगे जो हमारे चैनल पे वैगन आर के बारे में या और भी अन्य चीज़ों के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम जवाब देंगे। तो आइए चलिए रोहित से डिस्कस करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ रोहित और अब मैं आ गया हूँ आपके सवालों के जवाब लेकर। तो हम शुरू करते हैं अपने कमेंट से। जो कमेंट्स हमको आते हैं रहते हैं यूट्यूब पे, कुछ काफ़ी पुराने हैं जिनका जवाब हमने दिया था लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने देखा नहीं या नोटिस नहीं किया, और एक बार हम सिर्फ हाईलाइट करने के लिए आप लोगों को आपका नाम भी दिखाना चाहेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है नरन मुखिया जी का, वो तो इन्होंने पूछा है भाई सिस्टम में बैक गियर कैमरा कनेक्ट होता है? तो हाँ, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसमें बैक कैमरा आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप लगवाएंगे इसको शोरूम से, मारुति के ऑथोराइज डीलर से, तो फिर आपको पड़ेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 12,000 के बीच। और वो कैमरा आपका इसी सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, बैक कैमरा, और आपकी कोई अलग से ये कट के या कुछ हो के अलग से वायरिंग नहीं होती है। वायर्स इसके अंदर पहले से पड़े होते हैं जैसा कि मारुति वालों ने हमें बताया था। तो वो सिर्फ यहाँ पे एक पिन करेंगे और वहाँ पे एक पुट करेंगे कैमरे को पीछे, और वो बस एक कनेक्शन से वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और एक से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो वो कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग आपके में ज़्यादा नहीं लगती है अगर मारुति की ऑथोराइज कराएंगे। अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग ये करेंगे कि अपनी वायरिंग अलग से लगाएंगे और उनका लगाने का सिस्टम भी अलग है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्ता यही होता है कि आप बाहर से लगवाएं और वो भी रिलायबल होता है। ऐसी कुछ बात नहीं है कि आपको मारुति से ही लगवाना चाहिए। तो आप बैक कैमरा लगवा सकते हैं आसानी से, तो इसलिए आप लोग चाहें तो लगवा सकते हैं। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पीछे सेंसर्स प्रोवाइडेड होते हैं, पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके सिस्टम्स में वीडियो भी चलेगी क्या? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस हमारे सिस्टम में स्मार्ट प्ले स्टूडियो में वीडियोज़ भी प्ले होती हैं। वीडियो प्ले करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप ये म्यूज़िक मीडिया वाला क्लिक करेंगे। मीडिया में अगर आप यूएसबी लगाएंगे तो यूएसबी पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाएगा, जैसा कि मैं आपको यूएसबी कनेक्ट करके भी बताना चाहूँगा। हाँ, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस पेन ड्राइव की मदद से भी आप देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन को भी यूएसबी की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मली लोग करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको पेन ड्राइव की हेल्प से बताना चाहूँगा, तो पेन ड्राइव लगा दिए हमने, यहाँ पे यूएसबी कनेक्टेड आ गया है। अब यूएसबी के लिए हम गए मीडिया पे, अब मीडिया पे हम गए यूएसबी पे, और फिर हम इस पे जाएंगे ब्राउज वाले फंक्शन पे। ये देखिए, तो अब इस पे गए फोल्डर्स, आर्टिस्ट, एल्बम, सॉन्ग्स, फोटोज़ और वीडियोस पे सब दिखा रहा है। फोल्डर्स में जाएंगे तो आपको फोल्डर दिखेंगे, और अगर वीडियोस पे जाएंगे तो जो भी आपके में वीडियोस पड़ी होंगी वो दिखेंगी आपको। अगर आप प्ले करना चाहें तो देखिए, दिस ऑपरेशन इज़ नॉट परमिटेड वाइल ड्राइविंग, प्लीज़ पार्क योर व्हीकल। तो अब हमने पार्किंग ब्रेक इंगेज किया, तो अब देखिए वीडियो प्ले हो जाएगा, तो हम इसको क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। देखिए, ये प्ले हो गया है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप नॉर्मली कर सकते हैं कनेक्ट करके। इसके लिए हमने फुल एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है DS पियानो मास्टर की तरफ से। तो इन्होंने पूछा है क्या हमें एंड्रॉयड ऑटो डाउनलोड करना पड़ेगा? तो देखिए, एंड्रॉयड ऑटो वैसे तो एंड्रॉयड सिस्टम्स में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है आजकल, लेकिन अगर नहीं है आपके फ़ोन में तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको प्ले स्टोर से इजीली। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप अपने फ़ोन को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन पे लिख के आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि एंड्रॉयड ऑटो इज़ कनेक्टेड, तो उससे फिर आप कनेक्ट करके काफ़ी सारी ऐप्स, नेविगेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है आयुष शर्मा ने, ब्रो मारुति सुजुकी जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो ऐप है उसके थ्रू नहीं चला सकते मैप्स? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, स्मार्ट प्ले स्टूडियो अगर आप डाउनलोड करते भी हैं तो उसके बाद आपको एक और ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी नेवी मैप्स के नाम से, वो भी मारुति सुजुकी स्मार्ट प्ले स्टूडियो ऐप के अंदर ही आपको शो करेगा कि मैप्स की ऐप ये है। तो फिर आप वो ऐप डाउनलोड करिए, चाहे तो आप उसमें ऑफलाइन मैप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, यूएसबी के थ्रू। फिर वो कनेक्ट करने के बाद आप ऑफलाइन मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं,
और अगर आप चाहें तो एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करके डायरेक्टली गूगल मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो, क्योंकि हमारे स्मार्ट प्ले सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है कि आप इसमें डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ कर सकें, तो उस आपके लिए आपको उसके लिए फ़ोन का ही इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्निल की तरफ से। इन्होंने पूछा है कार कन्फिगरेटर की वेबसाइट नहीं खुल रही है तो उसके लिए क्या करें, मोबाइल नंबर मांगता है, नंबर देता हूँ लेकिन चल नहीं रहा है। तो मैंने जो लिंक इस वीडियो पे डाली थी, जिन वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, तो मैंने चेक किया कार कन्फिगरेटर की वेबसाइट वैसे ही चल रही है नॉर्मली। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लैपटॉप पे ओपन करने की कोशिश करिए या कुछ कीजिए, फ़ोन पे करिए, किसी दूसरे ब्राउज़र से ट्राई करिए, क्योंकि ब्राउज़र पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो वेबसाइट काफ़ी हैवी है, उसके लिए आपको इंटरनेट भी काफ़ी अच्छा चाहिए और मतलब प्रोसेसिंग भी काफ़ी चाहिए उस पेज के लिए। तो इसलिए आप फिर से ट्राई करिएगा तो आपको ओपन हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम की तरफ से। इन्होंने पूछा है न्यू वैगनर ZX5 की बिल्ड क्वालिटी Hyundai i10 से कैसी है। तो इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि वैगनर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसमें हमने AC के बारे में, केबिन स्पेस के बारे में और हर चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। अगर आप इसको कंपेयर करें Hyundai i10 से, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है वैगनर का केबिन काफ़ी बड़ा है, पीछे काफ़ी स्पेस है, तो इससे एक ये प्रॉब्लम होती है कि रियर में हमारे कोई AC वेंट भी नहीं दिया है, तो इसलिए कूलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो फिर उसके लिए अगर आपको AC कूलिंग से ज़्यादा मतलब है तो आप Hyundai i10 की तरफ जा सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। वैगनर में मैं कह सकता हूँ थोड़े बहुत ग्लिचेज हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे डैशबोर्ड की क्वालिटी, जैसे आप देखेंगे डैशबोर्ड की क्वालिटी भी ठीक है, थोड़ा इतना सॉलिड नहीं फील आता है लेकिन फिर भी ठीक क्वालिटी है। और दूसरी बात है AC की, और तीसरी बात है जो टर्न्स पे इन पे मोड़ते हैं कार को चलाते समय, तो एक तरफ काफ़ी मतलब आपको फील होगा कि कार एक तरफ काफ़ी झुक रही है, तो मतलब स्टेबिलिटी की तरफ भी आ जाता है। और Hyundai i10 में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वैगनार में ये सब हैं चीज़ें। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है गौरव की तरफ से। इन्होंने यही पूछा हुआ है कि इन्होंने वैगनार 1.2 लीटर AC परफॉर्मेंस के बारे में इनको जानना है, और ये सेंट्रो वैगनार में कन्फ्यूज़ है, इनकी प्रायोरिटी है AC कूलिंग, और ये कह रहे हैं कि सेंट्रो का कंप्रेसर बड़ा है, वैगनार का ऐसा है, और बैक ऑक्यूपेंट्स को वैगनार में गर्मी लगती है। तो गर्मी की बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मेन ये है कि मतलब वैगनार का कैबिन बड़ा है, तो इससे ये होता है कि आपकी मतलब कूलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और इसमें यह भी है कि मतलब पीछे इसमें कोई जो आपको मैंने बताया है कि पीछे कोई भी वो नहीं है इसमें वेंट, अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो फिर उससे प्रॉब्लम आती है। तो अगर AC कूलिंग प्रायोरिटी है तो ऑब्वियसली आप सेंट्रो की तरफ ही जाइए। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू की तरफ से। इन्होंने पूछा है टॉप मॉडल पेट्रोल का प्राइस कितना है ऑन रोड। तो जैसा कि मैंने बताया था 1.2 लीटर वैगनार टॉप मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको पड़ेगा, पुराना जो 2019 का मॉडल था BS4 का, वो आपको अराउंड 5,32,000 के अराउंड था। अब जो नई वैगनार आ रही है इम्प्रूव BS6 के साथ, उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 20-25,000 रुपीज़ बढ़ गया है, तो आपको वही 550 के अराउंड पड़ेगा इसका टॉप मॉडल आप पेट्रोल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक कुमार की तरफ से। इन योर न्यू वैगनार डज द स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली टर्न्स टू द सेंटर व्हेन यू रिलीज इट आफ्टर मेकिंग अ टर्न एट स्पीड और नॉट। तो मैं बताना चाहूँगा, जी बिल्कुल, जैसे आप कार को टर्न करेंगे, कार को टर्न करने के बाद इसका स्टीयरिंग वापस आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग है, तो ये इसमें दिया हुआ है फीचर, और ये अच्छा भी रहता है क्योंकि आप एक बार टर्न करते हैं तो स्टीयरिंग आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है ड्राइविंग में भी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कर जी की तरफ से। इन्होंने पूछा है अगर ये व्हीकल चोरी हो गया तो इसकी लोकेशन मोबाइल पर देख सकते हैं या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई फैसिलिटीज़ में प्रोवाइडेड नहीं है एंटी थेफ्ट या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि हमारा पहली बात यह है कि हमारा व्हीकल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रह सकता ऑलमोस्ट, इसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका आंसर है नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी अभी इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यतेंद्र कुमार की तरफ से। इन्होंने पूछा है भाई एवरेज कैसे पता करें। तो बताना चाहूँगा एवरेज के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कार का एवरेज कैसे चेक करना है और कार की फ्यूल इकोनॉमी कैसे चेक करनी है, कैसे इम्प्रूव करनी है AC कूलिंग, और कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है कैसे पता करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आपकी जो मेन स्क्रीन है यहाँ पे आपका देखिए डेट डेट टाइम लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज दिखाएगा। ये एवरेज तभी दिखाता है जब आपकी कार स्टार्ट होती है।
तो हमने कार स्टार्ट कर दी। देखिए, स्टार्ट करते ही आपका एवरेज दिखाने लगा 15.5 किलोमीटर पर लीटर। ये एवरेज इसका इतना इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग एसी वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं और कार मोस्टली सिटीज़ में चलती है, तो सिटी में इसका एवरेज आपको वैसे भी 18 से ऊपर नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने चलाने के बाद नोटिस किया है। हाईवेज़ पे आपको 19-20 तक भी जा सकता है और डिपेंड करता है एसी के ऊपर भी। नॉर्मली सिटीज़ में आपको 16-17 के अप्रॉक्सी मिल पाएगा, और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अगर आप यूज़ करते हैं मोस्टली इसको, तो आपको एवरेज ऐसे ही कुछ मिलेगा एसी के साथ। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी लोग का क्वेश्चन रहता है कि एसी चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे तो आपका कितना फ्यूल कम या ज़्यादा, मतलब आपका कितना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% तक होता है। जैसे आपकी कार 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है, तो अगर आप एसी ऑन रखेंगे तो आपकी कार चलेगी 15 किलोमीटर अप्रॉक्स, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर। तो जैसे कि ये इससे बिल्कुल मैच भी करता है कि जैसे इसका एवरेज, कार का क्लेम एवरेज है 20 से 22 तक, तो हमें वैसे 16-17 तक मिलता है, तो अराउंड 20 से 25% तक फ्यूल हमारा एक्स्ट्रा लगता है एसी के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ये भी वही है कि फुल नाइट एसी ऑन रखेंगे तो कितना डीजल कंज्यूम होगा। पहली बात, डीजल और पेट्रोल की कार हो, ये वाली वैगनार तो पेट्रोल की है, अगर डीजल की कार भी है मान लीजिए, तो आपका अराउंड 20% ही कंज्यूम होगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जितने घंटे चलाएंगे, जितना आपका पेट्रोल टोटल लग रहा है, तो उसका 20% आप मान लीजिए। 10 लीटर पेट्रोल अगर आपकी कार ने यूज़ किया तो आपका अप्रॉक्सीमेटली उसमें से 2 लीटर एसी का जाएगा, मतलब एसी के लिए लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगला कमेंट, सर प्लीज़ फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बताइए, वैगनार 2019 ZXi, बाय द वे आई लव योर वीडियोज़। तो थैंक यू अंकित कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम जल्दी आपके लिए गिव अवे भी लाने वाले हैं जैसा कि हमने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था। तो फ्यूल इकोनॉमी के बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ कमेंट्स काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं, तो फिर मैं हर एक का कमेंट तो रिप्लाई नहीं कर पाता, तो जितने कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। तो फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं, अभी इसकी एवरेज माइलेज 15.5 है, तो ये इसकी फ्यूल इकोनॉमी होगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भास्कर जी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कैन वी एडजस्ट 24 आवर टाइम फॉर्मेट टू इट्स मल्टीमीडिया। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें 12 आवर्स की तरह टाइम सेट है, 1:50 PM हो रहा है, तो 24 आवर्स में करने के लिए आप बस ये सेटिंग्स वाला दबाइए, डेट एंड टाइम पे जाइए, और आप देख सकते हैं 24 आवर फॉर्मेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप टाइम देखेंगे 13:51 हो गया है, तो हाँ आप 24 आवर्स में ईजिली कर सकते हैं, बस एक क्लिक करने से इसका टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुल जी की तरफ से, इन्होंने पूछा है कि बैक सीट पे एसी नहीं है क्या। तो जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पीछे मैंने आपको दिखाया भी है, रियर में आपको दिखा देता हूँ, नीचे देखिए यहाँ पे कोई एसी वेंट नहीं प्रोवाइडेड है। तो जी हमें इसमें कोई वेंट नहीं मिलता है, बस यही इसका ड्रॉबैक भी मान सकते हैं हम आप एसी की कूलिंग का। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना आंसर दे पाऊँ आपके क्वेश्चंस का उतना मैं जवाब दूं, और मैंने आपके क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या फिर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं या इसी पर आपके डाउट्स हैं, तो आप फिर कमेंट करिएगा, या हम आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी आप हमको क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको फिर बताया है कि हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को भी आप फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा आप उन पे हमारे साथ इंटरेक्शन में आएंगे उतना आपके लिए भी ईजी होगा अपने आंसर्स जानने के लिए। जैसे कि आप हमको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक भी हमारे प्रोवाइडेड है हमारे प्रोफाइल में ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, और फेसबुक की लिंक भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप हमको मैसेंजर पे डायरेक्टली मैसेजेस भेज पाएँ। और हम आपके लिए जल्दी गिव अवे भी करने वाले हैं, अभी बस आप जानते हैं कि थोड़ा बिजी चल रहा है सब, और कुछ भी मतलब सेट नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हम आपके लिए और काफ़ी वीडियोस लाते। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।